क्वेश्चन नंबर 184 प्रोफेसर रामशंकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 184। मंत्री महोदय। ए टू ई मैडम, ए टू ई ए स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। पहला पूरक प्रश्न पूछिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में आगरा लोकसभा में वहां पर किसी प्रकार का उद्योग धंधे तो पूरी तरह समाप्त हो गए हैं, लेकिन वहां पर जितने नौजवान अच्छे पढ़ करके और निकलते हैं, सारे के सारे लगातार विदेश में जा रहे हैं और उनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। जो आंकड़े दिए गए हैं वो मैं मानता हूं, लेकिन हमारे क्षेत्र की मैं समझता हूं कि लगातार जो अच्छे स्टूडेंट है जो पास होकर के जाते हैं, वो सारे की सारी बड़ी संख्या जाकर के बाहर जा रही है। उसके रोकथाम की दिशा में या जो हमारे देश की जो बौद्धिक संपदा है वो कैसे रुके, इस दिशा में माननीय मंत्री जी और सरकार क्या ठोस पहल कर रही है, मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय। मैडम, आई एम मोर कंसर्न अबाउट द ओवरसीज इंडियंस। द ऑनरेबल मेंबर वांट मी टू प्रिवेंट देंग पीपल गोइंग अब्रॉड एंड सीकिंग देयर फ्यूचर। आई एम सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग मच ऑन दैट। दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए। मैं माननीय मंत्री जी को हमारे क्षेत्र से दो तीन लोगों के साथ जो ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ जो दुर्घटनाएं हुई, उनके साथ जैसा अभी विषय आया है एफआईआर भी हुई और उसके बाद मैंने पत्र भी लिखे, लेकिन आज तक उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ और इस तरह की घटनाएं लगातार हम लोग अखबार में पढ़ते हैं। इस दिशा में कोई ठोस पहल अभी तक हुई हो या सुखद कोई परिणाम आए हो, मैं ऐसा माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय। मैडम, there were incidents in Australia. The students have been attacked. There was a serious case came. I myself visited to discuss. Then we discussed our embassy, our high commission was very active, and we discussed their high commission here. There the ministers visited this country. We taken all the steps, and we received the report later state that things are come down very much. Recently there is no such incident has taken place. Honorable member has referred a case, that's true. That happened. I talked to the Indian High Commission there and she has taken up the matter. And I believe things are, some of the culprit have been arrested. Some action have been already taken. I further inquire and find out what is the, I think it is already arrested and action have been taken. I'll inquire with the High Commissioner what is the present position. Thank you. Shri P.